गुरुवार को फ्रंटलाइन वर्करों के टीकाकरण का अंतिम दिन है, जिसमें 32 अस्पतालों के 48 बूथों पर फ्रंटलाइन वर्करों का टीकाकरण होगा, जिसमें 5761 का लक्ष्य रखा गया है। जिला अस्पताल में बने टीकाकरण बूथ पर नवागत एडीजी अखिल कुमार को कोविड शील्ड का टीका लगाया जाएगा। आपको बता दें, पुलिस कर्मी अब पंजीकरण के दौरान दर्ज कराए गए मोबाइल नंबर को बताकर नजदीकी बूथ पर भी कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। टीकाकरण में सहूलियत के लिए शासन की ओर से ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अन्य लाभार्थियों को पूर्व की भांति तय बूथ पर ही टीके की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगवाने का एक और मौका 19 फरवरी को दिया जाएगा। गुरुवार को फ्रंटलाइन वर्कर के टीकाकरण का अंतिम दिन है। 22 फरवरी को उनके लिए मापअप राउंड आयोजित होगा। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि यूएनडीपी संस्था की मदद से कोविन पोर्टल पर जिन लोगों का पंजीकरण हो चुका है, टीका सिर्फ उन्हीं को लगेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, कल हमारे 32 अस्पतालों के 48 बूथों पर फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण होना है, जिसमें पुलिस विभाग, रेवेन्यू, पंचायती राज और नगर निगम के सभी कर्मचारियों का लगना है। कुल हमारा लक्ष्य जो है 5761 का है और हम चाहेंगे कि 100% हम टीकाकरण कर लें, जिससे हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को इम्यूनाइज कर सकें। ये पुलिस विभाग को सहूलियत दी गई है, क्योंकि इनकी ड्यूटियाँ इधर उधर चेंज होती रहती हैं, तो अपने ड्यूटी के नज़दीक ही जो भी हमारा सेंटर है वहाँ पर जाएं और अपना नाम, आधार कार्ड और अपना कोई परिचय पत्र लेके जाएं और अपना मोबाइल नंबर से उनका ट्रेस हो जाएगा नंबर, और वो वहाँ पर टीकाकरण करा सकते हैं, लेकिन उनका पोर्टल पर इंटर होना ज़रूरी है। किसी बड़े अधिकारी का भी कल टीकाकरण होगा? कल हमारे नए जो एडीजीपी साहब आए हुए हैं उनका टीकाकरण होगा और उनको हम जिला अस्पताल में बुलाए हुए हैं और 11 बजे उनका टीकाकरण कराएंगे।